हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएस कॉन्वेंट स्कूल यूट्यूब चैनल। इन अवर लास्ट वीडियो वी डिड क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2.4। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स स्टार्ट। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके पास है वो क्या बोल रहा है, शोबोज मदर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है वो आपको, शोबोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम शोबोज प्रेजेंट एज। ठीक है, अब जैसा जैसा वो क्वेश्चन में बोल रहा है वैसा वैसा हम क्या कर देंगे, बोर्ड पे राइट करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, शोबोज मदर इज, जो उसकी मदर की जो एज है वो क्या है, शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है वो, मदर की, प्रेजेंट एज की। तो शोबोज, शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज कितनी है, वो मदर्स की जो प्रेजेंट एज है वो 6 टाइम, क्या है, 6। और टाइम्स के लिए मैंने बताया था क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 टाइम किसकी एज की है वो, शोबोज प्रेजेंट एज की, किसके, शोबोज प्रेजेंट एज। इतनी बात समझ में आई, फर्स्ट लाइन का मीन समझ में आया, क्या बोल रहा है वो कि जो शोबो की मदर की जो एज है ना वो कितनी है, 6 टाइम्स ऑफ शोबोज एज। जैसे मैं बोलूं अगर आपकी एज, जैसे मैं अगर मैं बोलूं कि शोबो की जो एज है वो 10 ईयर्स है, शोबो की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 10 इयर्स है, तो शोबो की मदर की कितनी होगी, 10 × 6 कितनी हो जाएगी, 60। बात समझ में आ रही है, ओके सर। अब आगे चलते हैं, शोबोज इज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ मतलब 5 साल के बाद, मतलब मैं क्या बोलता हूं, आफ्टर फाइव ईयर्स तो पहले 5 साल के बाद की बात करते हैं। अगर अभी शोबो की एज 10 ईयर है तो 5 साल के बाद कितनी होगी, 50 होगी या 15 होगी, सर 5 साल के बाद तो 15 ही होगी, है ना। जैसे मैं बोलता हूं अभी शोबो की एज 10, अभी शोबो की एज 20 ईयर्स है, अभी शोबो की एज 20 ईयर्स है, तो 5 ईयर्स के बाद सर 25, तो अभी शोबो की एज कितनी है। मान लेते हैं शोबो की जो प्रेजेंट एज थी, शोबो की जो प्रेजेंट एज थी ना वो कितनी मान ली मैंने, एक्स मान ली, है ना। तो मैं लिख देता हूं पहले, लेट बी द शोबोज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज मैंने क्या मान ली, शोबो की एक्स मान ली, तो उसकी मदर की जो प्रेजेंट एज होगी, मदर की जो प्रेजेंट एज होगी वो कितनी हो जाएगी, मदर की प्रेजेंट एज 6 × शोबो की एज तो कितनी हो जाएगी, 6x। इतनी बात समझ में आई। अब अगर मैं 5 साल की बात बात करता हूं तो क्या लिखूंगा, आफ्टर 5 ईयर्स लेटर, 5 साल के बाद की बात की तो क्या हो जाएगी, शोबो की एज कितनी हो जाएगी, सर शोबो की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, सर पहले एक्स थी तो अब कितनी हो जाएगी, x+5, और उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर की पहले कितनी थी, 6x, तो अब कितनी हो जाएगी, 6x+5। इतनी बात समझ में आ गई, यस सर। अभी तक हमने क्या बोला, क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि मदर की प्रेजेंट एज कितनी है, तो वो क्या बोल रहा था कि 6 × शोबोज प्रेजेंट एज, हमने कहा ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं कि 5 साल के बाद, तो हमने देखा कि अभी शोबो की मैंने एक्स मान ली तो मदर की कितनी हो जाएगी, 6 × x, 6x हो गया। अब 5 साल के बाद की बात करूं, अभी उसकी एक्स है तो 5 साल के बाद कितनी होगी, x+5। जैसे सिंपल सी बात है, शोबो की अभी एज 2 ईयर्स है, 5 साल के बाद 2+5 तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। वैसे अब प्रेजेंट एज की बात करूं, एक्स है तो 5 ईयर्स के बाद x+5, मदर की प्रेजेंट एज अभी कितनी है, 6x, तो 5 ईयर्स के बाद कितनी होगी, 6x+5। इतनी बात समझ में आई। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन के अंदर उसके बाद बोल रहा है शोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अच्छा 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ किसकी एज की बात कर रहा है वो, शोबोज एज किसकी एज की बात कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर्स के बाद जो शोबोज की एज है, किसकी एज, शोबो की एज, तो मैं लिख रहा हूं 5 ईयर्स के बाद शोबो की जो एज है वो क्या है, शोबो की जो एज है वो बोल रहा है शोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3, विल बी 1/3, 1/3 मतलब 1/3, 1/3 मतलब 1/3 किसकी एज की है वो, 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, किसकी, मदर्स प्रेजेंट एज उसके क्या है वो, इक्वल है। बात समझ में आया, चलो दोबारा देखो। अभी वो क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि कोई एक स्टूडेंट है, कोई भी एक बच्चा है, उसका नाम क्या है, शोबो, शोबो की जो एज है उसका 6 टाइम कर दो,
किसकी एज आएगी, उसकी मदर की एज। शोबो की जो एज है उसका 6 कर दो, उसकी मदर की एज आएगी। अगर शोबो की एज 2 ईयर तो मदर की 2 6 12, अगर शोबो की एज 5 ईयर तो मदर की 5 6 30, अगर शोबो की एज 7 ईयर तो मदर की 7 6 42। बात समझ में आ रही है? तो अगर शोबो की एज x है तो मदर की एज x 6 6x, शोबो की x तो मदर की 6x। फिर वो बोल रहा है, फिर वो क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि 5 साल बाद की बात करते हैं, तो चलो 5 साल बाद की, तो इसको भी 5 साल बड़ा कर दिया, इसको भी 5 साल बड़ा कर दिया। देखो ये 5 साल बड़ा हो गया, ये भी 5 साल बड़ा हो गया। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद वो बोल रहा है कि जो शोभो की अब जो एज है 5 साल बाद, शोभो की 5 साल बाद एज कितनी है? x+5। वो क्या है? 1/3 ऑफ इट्स मदर की प्रेजेंट एज। जो उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी है? 6x, उसके क्या है? वो इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे बोला हमने वैसा कर दिया। बात समझ में आई? अब इसको सॉल्व कर लो। देखो क्या आएगा, x+5 वैसा का वैसा, यहां पर 6x अपॉन में 3 कैंसिल कर दो। 6 कितने टाइम्स आएगा 3 से? 2 टाइम्स। देखो कितना हो गया, x+5 = 2x, 5 = 2x। ये x इधर प्लस का था, उधर गया तो माइनस का। तो कितना आ जाएगा, 5 = 2x - x, कितना आ गया, x आ गया, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 years। मतलब ये x है क्या? सर x है शोबो की प्रेजेंट एज। मतलब अगर शोबो प्रेजेंट एज कितना है, 5 years है, तो उसकी जो मदर है, जो उसकी मदर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी होगी, मदर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? सर वो है 6x। तो क्या लिखोगे, 6 × 5, तो मदर कितनी इयर्स की हो जाएगी, 30 years की। कितनी हो जाएगी, 30 years की। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। बात समझ में आ रही है? जैसा जैसा क्वेश्चन बोला वैसे वैसे वर्ड प्रॉब्लम के अंदर हमें क्या करना है, जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसे करते जाओ, अपने आप आंसर आएगा। पहले उसने बोला कि मदर की जो प्रेजेंट एज है वो 6 × शोबोज प्रेजेंट एज, हमने वैसा का वैसा राइट किया। फिर वो बोल रहा है कि शोबो की प्रेजेंट एज हमने लेट कर लिया। खुद सोचो एक बार, अगर शोबो की जो प्रेजेंट एज है वो 2 years होती, यहां पर 2 पुट करता तो 2 × 6 उसकी मदर की जाती 12, तो यहां पर मैंने x पुट किया तो मदर की कितनी आ गई, x × 6। अगर x पुट किया ना तो x × 6 कितना आ गया, 6x। बात समझ में आई? अब 5 साल बाद की बात कर रहा, तो इसको भी 5 साल बड़ा कर दो, इसको भी 5 साल बड़ा। 5 साल बाद की बात, अगर 5 साल पहले की बात करता तो -5 -5। बात समझ में आ रही है ना? अगर अभी आप 10 years की हो, मैं बोलूं 5 साल पहले कितनी इयर्स के थे, आप क्या बोलोगे, सर 10 - 5। मैं बोलूं 5 साल बाद, आप क्या बोलोगे, 10 + 5। यही करोगे ना, वही सिमिलर प्रोसेस यहां पे किया मैंने, ठीक है। फिर आगे वो बोल रहा है कि अब 5 साल बाद, 5 साल बाद शोभो की जो एज है वो 1/3 है उसके मदर की प्रेजेंट एज के, पहले वाली एज के। तो ठीक है, शोभो की प्रेजेंट एज, शोभो की जो अब की एज कितनी है, x+5, और उसकी मदर की 5 साल पहले एज कितनी थी, 6x, उसके क्या है, वो इक्वल है। तो यहां से हमने सोल्व किया, क्या आ गया, आंसर आ गया। बात समझ में आई? जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। कर लिया, हो गया नोट, ओके, मिटा दें इसको। चलो देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं क्या बोल रहा है वो। देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोल रहा है आपके पास, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। ओके चलो प्लॉट ही बना लेते हैं पहले, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स है ना, ठीक है। देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये लो, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगल की शेप में हमारे पास क्या एक प्लॉट है। बात समझ में आई? उसके बाद हाँ, वो कहाँ है, वो रिजर्व फॉर स्कूल, स्कूल के लिए रिजर्व है, और कहाँ पे, इन मोहली विलेज कोई गाँव है, वहां पर एक रेक्टेंगुलर शेप में क्या एक प्लॉट है। ओके, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन रेशियो 11:5, 11:4। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, इनका रेशियो गिवन है। लेंथ रेशियो ब्रेथ कितना गिवन है, 11:4। जैसे ही रेशियो आया आपके दिमाग में क्या चमका, कि जब कभी भी रेशियो होता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको एक्स मान लेना चाहिए, है ना। तो मुझे बताओ जो लेंथ है इसकी प्लॉट की वो कितनी आएगी, सर इसके नीचे 11 है तो 11x, ठीक है। और अगर मैं ब्रेथ की बात करूं,
अगर मैं ब्रेथ की बात करूं तो वो कितनी आ जाएगा, इसके नीचे 4 है तो कितना आ जाएगा 4x। मतलब हमारे पास एल भी आ गई और क्या आ गई, बी भी आ गई। बात समझ में आ रही है। आगे देखो, अब वो क्या बोल रहा है, एट द रेट 100 रुपीज पर मीटर, ध्यान से सुनना, 100 रुपीज पर मीटर, 100 रुपीज पर मीटर, मतलब एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत रुपीज 75,000 टू फेंस द प्लॉट। टोटल कितना लगा है, 75,000 रुपीज किसके लिए लगा, टू फेंस द प्लॉट, टू फेंस द प्लॉट। आगे बात करते हैं, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, तो इस प्लॉट की डायमेंशंस बतानी, डायमेंशंस का मींस लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सर है तो सर ही 4x, 11x और 4x, तो उसके लिए x की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना। चलो देखते हैं, दो बातें बात करता हूं मैं आपको। अगर आपके पास ये कोई फील्ड है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, रेक्टेंगुलर का आपके पास प्लॉट है, इतनी बात समझ में आ रही है। अगर मैं आपसे बोलूं इसकी फेंसिंग करवानी है, फेंसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ये आपका प्लॉट है, ये प्लॉट की क्या है, वॉल्स है, दीवारें है ना ये प्लॉट की, है ना, मैं बोल रहा हूं इन यहां पर मतलब कुछ भी, मतलब तार बंदी करवाते हैं ना प्लॉट के बाहर, तार बंदी करवाते हैं अपने, तो वो उसकी बात कर रहा है, तो वो कहां पर होगी, उसकी पैरामीटर में होगी, पैरामीटर पर होगी या फिर उसके एरिया पर होगी, दो बातें बताओ। जैसे सिंपल सी, यहां पर काम नहीं आएगा, बहुत जगह पर काम आएगा, सर्कल की ही बात कर लो, अगर सर्कल शेप में आपका प्लॉट है, ठीक है, और आपको इसकी फेंसिंग करवानी है, फेंसिंग का मतलब तार बंदी करवानी है बाउंड्री पे, है ना, तार बंदी कहाँ होगी, बाउंड्री पे तो होगी ना, आपने प्लाट खरीदा, आपने सोचा कि हमारा प्लाट पे, हमारे प्लाट पे कोई और कब्जा ना कर ले, तो आपने क्या किया, तो दीवार बनवा दी चारों तरफ, या फिर क्या किया, उसके बाहर क्या करा दी, तार बंदी करवा दी, ऐसे ही करवाया ना, उसको फेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आप वो करवाओगे तो वो कहां करवाओगे, उसके बाउंड्री पे करवाओगे या फिर उसके एरिया के अंदर करवाओगे, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात है सर, बाउंड्री पे तो करवाएंगे, हमको बाउंड्री कवर करनी है, और बाउंड्री किससे रिलेटेड है, पैरामीटर से। बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं बोलूं आपके पास ये फील्ड है, ठीक है, यही सर्कुलर शेप में क्या आपके पास एक फील्ड है, उस फील्ड के अंदर आपको खेती करनी है, है ना, मतलब कोई भी फसल उगानी है आपको, कुछ खेती करनी है, तो आप क्या करोगे, उसके बाउंड्री पर करोगे या उसके एरिया के अंदर करोगे, सर उसके एरिया में करेंगे। तो जब प्लविंग की बात आएगी हमारे पास, खुदाई करने की बात आएगी, तब हम किसकी बात करेंगे, एरिया की, बट जब फेंसिंग की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर। इतनी बात समझ में आई, ओके सर। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन देखो, हाँ इधर देखो, क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहे हैं, रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको रेशियो में दी हुई है, तो लेंथ मान ली 11x, ब्रेथ मान ली 4x, इतनी बात समझ में आई। आगे वो क्या बोल रहा है, 100 रुपीज पर मीटर के हिसाब से हमने 75,000 रुपए दिए। जैसे मान लो आप इस प्लॉट के क्या हो, मालिक हो, है ना, आप गए, आपने कुछ नहीं पूछा, आपने सिर्फ पूछा फेंसिंग करवानी है कितने रुपए लगेंगे, उसने बोला 75,000 लगेंगे, आपने कहा ठीक है, आपने 75,000 रुपीज उसको दे दिए, बट बाद में आपको याद आया कि मैं उससे पूछना तो भूल ही गया कि उसने क्या रेट लगाया, तो उसने आपसे, उसने उसने आपको बताया कि जो आपको रेट लगाया है वो 100 रुपीज पर मीटर का रेट लगा है, मतलब अगर आप 1 मीटर पर फेंसिंग करवाते हो तो 100 रुपीज लगते हैं। बात समझ में आ रही है, इसका मीन क्या है, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 100 रुपीज लगते हैं कितने मीटर के, 1 मीटर के। बात समझ में आई, क्या बोला उसने, क्या बोला, 100 रुपीज पर मीटर, पर मीटर मतलब 1 मीटर, 100 रुपीज लग रहे हैं किसके, पर मीटर के, 100 रुपीज लग रहे हैं कितने के, 1 मीटर के। बात समझ में आ रही है, तो आपने कितने रुपीज दिए, 75,000 रुपीज, मतलब आपको पता होना चाहिए ना कि कितने मीटर पे फेंसिंग की है। चलो निकालते हैं, देखो दुकानदार, उसने पंचायत वालों ने क्या बोला, 100 रुपीज पर मीटर है, क्या है, 100 रुपीज पर मीटर, मतलब 100 रुपीज आपके लग रहे हैं 1 मीटर के, तो बताओ 1 रुपीज में कितना करेगा वो, सर 1/100 मीटर, बट आपने क्या 1 रुपीज दिया है क्या, नहीं सर हमने 75,000 रुपीज दिए हैं, तो बताओ 75,000 रुपीज में कितना मीटर करेगा, 1/100 × 75,000 मीटर, देखो 20 से 20 कैंसिल, मतलब टोटल जो उसने किया है वो 750 मीटर पे उसने क्या किया, फेंसिंग की। अच्छा
मतलब वो क्या करके गया 7750 मीटर पे उसने फेंसिंग की, और कितने रुपीस के हिसाब से की उसने, 100 रुपीस के, तो बिल कितना बना दिया उसने 75,000 रुपीस का। बात समझ में आ रही है ना? दोबारा देखो क्या बोल रहा है, पंचायत ने क्या बोला, 100 रुपीस पर मीटर, ठीक है। टोटल रुपीस कितने लगे, 75,000। तो हमें पता तो होना चाहिए ना कितने मीटर हमने, हमारी जो स्कूल की बाउंड्री है वो कितने मीटर है, यही पता होना चाहिए ना। तो हमने क्या किया, देखो 100 रुपीस ले रहा है 1 मीटर के, इसको रफ करो, देखो 100 रुपीस ले रहा है 1 मीटर के, तो आप देखो 75,000 रुपीस लिए होंगे तो कितने मीटर के लिए होंगे, तो पहले 1 रुपीस लगा लेता हूं। तो 1 रुपीस देखो 100 डिवाइड में चला गया, 1/100, 75,000 निकालना है, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 750 मीटर। ये जो 750 मीटर आया है, ये जो 750 मीटर आया है, ये क्या है हमारी, इसका पूरे का क्या है, बाउंड्री तो है, ये 750 मीटर के यहीं पर तो फेंसिंग हुई है ना, यहां पर फेंसिंग हुई है, कहां फेंसिंग हुई है, यहां पर। तो ये क्या है हमारी, इस प्लॉट की बाउंड्री, और उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पैरामीटर। तो मतलब हमारी जो बाउंड्री है, पैरामीटर है, ठीक है, बाउंड्री है हमारी या पैरामीटर है, वो कितना दिया हुआ है, 750 मीटर। कितना दिया हुआ स्टूडेंट्स, 750 मीटर। इतनी बात समझ में। चलो पैरामीटर का फॉर्मूला बताओ, रेक्टेंगल का है ना, पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सिंपल सी बात, फॉर्मूला वैसे तो 2 × L + B, बट याद रखो सम ऑफ ऑल साइड, एल बी, ये बी एल और ये बी बी, तो सम ऑफ ऑल साइड कितना हो, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, सबको मिलाकर कितना आना चाहिए, 750 मीटर। ये तो आना चाहिए ना, खुद देखो 750 मीटर क्या है, 750 मीटर जो आया है वो हमारे प्लॉट की बाउंड्री है, मतलब ये सारी यहां से लेकर टोटल बाउंड्री कितनी है, L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, टोटल बाउंड्री थी वो कितनी थी, 750 मीटर। तो देखो कितना है, L प्लस एल कितना हो गया, 2L, B प्लस बी कितना हो गया, 2B इज इक्वल टू 750 मीटर, 2 कॉमन आ गया, L प्लस बी इज इक्वल टू 750 मीटर, L की वैल्यू कितनी है, 11x, तो पुट कर दो 11x, B की वैल्यू कितनी है, 4x, तो 4x भी क्या कर दो यहाँ पे, पुट कर दो, कितना आ गया, 750 मीटर। तो 11x प्लस 4x कितना आ गया, 15x, तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 × 15x इज इक्वल टू 750 मीटर, 15 × 30x इज इक्वल टू 750 मीटर, तो x की वैल्यू 750/30 मीटर, 30 मल्टीप्लाई में था ना, डिवाइड में चला गया, ठीक है, 0 से 0 मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, और जब 3 से कैंसिल करोगे तो 25 के टेबल से वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो x की वैल्यू कितनी आई, 25, x की वैल्यू कितनी आई है, 25, तो लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी, सर लेंथ की जो वैल्यू है वो 11 × x है, देखो 11 × x है ना, 11 × x, तो क्या करोगे, 11, x की वैल्यू पुट करो 25, तो कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 27 और 2, कितना आ जाएगा, 275, और ब्रेथ की वैल्यू कितनी है सर, 4x, तो ये लो 4x, 4 × x की वैल्यू, 25 × 4 = 100, कितना आ गया, 25 × 4 = 100, तो कितना हो गया देखो, 200 और 100 कितना हो गया, 375 + 375 कितना हो जाएगा आपके पास, 750, ठीक है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी करो, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, ये लो, ये आपकी लेंथ आ गई और ये कितनी आ गई, ब्रेथ आ गई, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। क्या किया हमने, देखो जैसे रेशो दिया हुआ था, रेशो निकाल लिया, रेशो से लेंथ और ब्रेथ आ गई, हमको यहां पर देखो 100 रुपीज पर मीटर, तो 1 रुपीज इतने हमने कितने पे किए, 75,000, कितने रुपीज वो कितने मीटर के होंगे, 750 मीटर के, मतलब ये हमने पूरी बाउंड्री पर करवाया, मतलब ये क्या आ गया, इसका पैरामीटर आ गया, वो उसके अंदर वैल्यू पुट की फॉर्मूले में, और क्या निकाल लिया हमने, आंसर निकाल लिया। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से करो, कर लिया, कर दे रफ, हो गया, ओके। चल देखो, एक बार खुद से क्वेश्चन को जरूर ट्राई करोगे आप, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो क्या बोल रहा है वो, और एक बार उसको खुद से ट्राई करो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 देखो क्वेश्चन नंबर, देखो क्या दिया हुआ है,
हसन बायज टू काइंड ऑफ क्लॉथ्स मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। ठीक है, हसन ने क्या किया, टू टाइप्स के क्या किए उसने, क्लॉथ के मटेरियल उसने क्या किए, परचेस किए। किसके लिए? स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। हसन को स्कूल यूनिफॉर्म चाहिए तो वो टू टाइप्स के क्या कर रहा है, क्लॉथ्स परचेस कर रहा है। ठीक है, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट 50 रुपीज पर मीटर। चलो लिख लेते हैं जो जो बोल रहा है वो। शर्ट की जो कॉस्ट है वो कितनी आपके पास, 50 रुपीज पर मीटर। इतनी बात समझ में आ रही है? सिर्फ जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिख रहे हैं। और क्या किया, शर्ट की कॉस्ट तो लिखी है मैंने अभी। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो ट्राउजर है उसकी जो कॉस्ट है, ट्राउजर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 90 रुपीज पर मीटर। इतनी बात समझ में आई? चलो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है वो। आगे वो क्या बोल रहा है, फॉर एवरी थ्री मीटर ऑफ शर्ट ही बाइज टू मीटर ऑफ ट्राउजर। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर उसे शर्ट के लिए 3 मीटर चाहिए तो ट्राउजर के लिए कितना कपड़ा चाहिए होगा, 2 मीटर का। बात समझ में आ रही है? मान लेते हैं शर्ट के लिए उसने कितना खरीदा, तो शर्ट के लिए रेशो जो दिया हुआ है ना उनका, शर्ट और ट्राउजर का, वो कितना दे दिया उसने, 3:2। मतलब अगर मान लो आपने 30 मीटर आपने क्या खरीदी है, शर्ट के लिए कपड़ा खरीदा है, तो पैंट के लिए कितना खरीदोगे सर, 20 मीटर खरीदेंगे। 30 मीटर अगर पैंट के लिए खरीदा है तो शर्ट के लिए 20 मीटर, तो रेशो कितना आएगा, 3:2। सिंपल सी बात, अगर आपने शर्ट के लिए 60 मीटर खरीदा, तो इसके लिए कितना खरीदोगे सर, 40 मीटर। देखो रेशो, देखो 0:0, 2:3, 2:2, फिर भी कितना आ रहा है, 3:2। मतलब ये जो शर्ट और पैंट, शर्ट और ट्राउजर है ना, उसका रेशो दिया हुआ है कि अगर आपको शर्ट अगर 3 मीटर कपड़ा खरीद रहे हो ना, तो पैंट का आपको, ट्राउजर का आपको 2 मीटर परचेस करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या दे दिया उनका, रेशो दे दिया। क्या दे दिया इनका, रेशो। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद वो क्या बोल रहा है, ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली, हिज टोटल सेल इज 36,600, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। तो ट्राउजर की बात कर रहा है, कितना उसने परचेज किया होगा। तो मान लेते हैं एक बार, आपको पता है कि सर जब शर्ट और ट्राउजर का रेशो दिया होता है ना, तो शर्ट मान लेते हैं उसने 3x मीटर परचेज की होगी, और ट्राउजर जो है वो उसने कितना परचेज किया होगा, 2x मीटर परचेज किया होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो शर्ट का जो प्राइस है वो कितना होगा सर, 3x इंटू कितना है वो, 50 रुपीज। 1 मीटर का कितना है, 50 रुपीज है, तो 3x मीटर का कितना हो जाएगा, 50 × 3x, तो कितना आ गया, 150x रुपीज। मतलब शर्ट उसने इतने में खरीदी होगी। बात समझ में आ रही है? चलो, तो अगर शर्ट इतने में परचेज की है तो ट्राउजर कितने में परचेज किया होगा, शर्ट का जो प्राइस है, कौन सा प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। लिख देता हूं यहां पर, शर्ट्स कॉस्ट प्राइस, शर्ट उसने कितने में परचेज की, 150x रुपीज में। क्योंकि देखो जो शर्ट है, शर्ट का जो कपड़ा है वो कितना है, जो क्लोथ उसने परचेज किया वो कितना परचेज किया, 3x। यही तो माना ना, देखो शर्ट का 3 है तो ट्राउजर का 2। ठीक है, रेशियो में मान लिया मैंने। शर्ट का अगर उसने 3x मीटर परचेज किया तो ट्राउजर का 2x मीटर। 1 मीटर का जो चार्ज है वो कितना है, 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी है शर्ट की, 50 रुपीज है, तो 3x मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, 50 × 3x। सिंपल सी बात बताओ, 1 मीटर जो कपड़ा है वो 50 रुपीज में आ रहा है, 2 मीटर कितने में आएगा सर, 100 में। 3 मीटर कितने में आएगा सर, 3 × 50। 4 मीटर कितने में आएगा सर, 4 × 50। ऐसे करोगे ना तो 3x मीटर कितने में आएगा, 3x × 50, कितना आ गया, 150x। बात समझ में आई? अगर मैं वैसे ही बात करूं ट्राउजर की जो कॉस्ट प्राइस है, वो कितनी है, ट्राउजर की कॉस्ट प्राइस, देखो ट्राउजर ने कितना मीटर परचेज किया उसने, 2x मीटर। 1 मीटर का चार्ज कितना है, 90 रुपीज, तो 2x मीटर का, 2x × 90 मीटर, तो कितना आ गया, 9×2 = 180x रुपीज। ये उसका क्या आ गया, किसका चार्ज आ गया, ट्राउजर का। अब क्वेश्चन पे आते हैं, वो क्या बोल रहा है दोबारा देखो, क्वेश्चन के अंदर वो क्या बोल रहा है कि वो कोई शॉपकीपर था। ठीक है, वो जो था ना, क्या नाम था इसका,
हसन वो एक शॉपकीपर था, क्या था वो शॉपकीपर, वो कपड़े तो ले आया अपनी शॉप पे, अब वो उसको सेल करेगा। सेल कैसे कर रहा है वो, उसी सेल्स द मटेरियल 12% एंड 12% 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब जो पहले आया वो पहले, पहले शर्ट आया था ना, तो शर्ट को जो वो सेल कर रहा है, शर्ट को जो वो सेल कर रहा है कितने परसेंट पे कर रहा है, 12% पे, 12 है ना, शर्ट को 12% पे कर रहा है, और जो ट्राउजर है, और जो ट्राउजर है उसको वो कितने परसेंट पर सेल कर रहा है, 10% पे। इतने पर सेल करने के बाद उसने जो टोटल सेल की है, टोटल जो सेल की है वो कितने की है, 36,300 रुपीज की है। तो देखो मैं सेल निकाल लेता हूं, टोटल सेल कितने में की उसने, निकाल लें इसको सेल। चलो शर्ट का निकालते हैं, पहले क्या निकालते हैं, शर्ट की जो सेलिंग प्राइस है, शर्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी आएगी, ठीक है। चलो शर्ट को देखो, कॉस्ट प्राइस है शर्ट की कितनी है, कॉस्ट प्राइस 150x। इसके अंदर वो कितना परसेंट प्रॉफिट कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस आपने पढ़ा है ना, तो कितना परसेंट वो बेच रहा है, 12% पे। किसके 12% पे, कॉस्ट प्राइस के। तो क्या होगा, 150x का 12%, 150x का 12%, या फिर ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो 12% ऑफ 150x, जो कितना आएगा 150x प्लस 12% हटेगा तो अपॉन में 100, ऑफ हटेगा तो मल्टीप्लाई इनटू में x। देखो 10 से 10 कैंसिल, 5 2 10, 5 3 15, और 2 को 6 से कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया 150x, 6 3 18x, तो कितना आ गया 150 और 18 कितना आ गया 168x। ये किसका सेलिंग प्राइस आ गया, शर्ट का, शर्ट का क्या आ गया सेलिंग प्राइस आ गया, शर्ट का क्या आ गया सेलिंग प्राइस 168 रुपीज। इतनी बात समझ में आई। चलो सिमिलरली क्या निकाल लेता हूं मैं, सिमिलरली ट्राउजर का मैं क्या निकाल लेता हूं, सेलिंग प्राइस निकाल लेता हूं। तो ट्राउजर की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 180x, 180x, ठीक है। ट्राउजर को सेल कितने पे कर रहा है वो, 10% पर सेल कर रहा है, 10% प्रॉफिट पे ना, तो क्या होगा 10% ऑफ 180x, तो कितना आ गया 180x, 10% करना है ना, तो परसेंट हटाया तो अपॉन में 100 आ गया, ओ फटा तो मल्टीप्लाई 180x, वैसा का वैसा। देखो 10 से 10, इस 10 से ये 10, 180 में 18, 180x में 18x ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 198x। ये किसका आ गया, ट्राउजर का सेलिंग प्राइस आ गया, क्या आ गया ये ट्राउजर का सेलिंग प्राइस, मतलब ट्राउजर उसने इतने रुपीज में बेचे हैं और शर्ट उसने उतने में बेचे हैं, तो टोटल कितने रुपीज उसने, खुद सोचो, शर्ट बेचने पर इतने रुपए आए, ट्राउजर बेचने पर इतने रुपए आए, टोटल रुपए कितने आए, दोनों को ऐड कर दूं ना। चलो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ, टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, शर्ट का जोड़ दो प्लस किसका जोड़ दो, ट्राउजर का जोड़ दो, ट्राउजर कितना है 198x, कितना रहा, देखो x वैसा का वैसा, 8 और 8 कितना हो गया 16, 6 1 कैरी 9 और 1 10 और 6 16, 1 कैरी 1 2 3 366x आ गया। और हमको दिया क्या हुआ टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया टोटल सेलिंग प्राइस 36,600, कितना दिया हुआ है 36,600 रुपीस। बात समझ में आ रही है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है क्या x की वैल्यू कितनी, हाँ दिख रहा है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड कर दो 36,600 अपॉन में 3 triple, मल्टीप्लाई में था ना, इधर आके डिवाइड में हो गया, देखो 36 से कैंसिल हो गया, कितना बच गया 100, कितना बच गया 100, मतलब x की वैल्यू कितनी आई है 100 आई है, x की वैल्यू कितनी आई है 100। आपसे किसकी वैल्यू पूछी, ट्राउजर की पूछी है ना, देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं, आपसे किसकी पूछी है, ट्राउजर की पूछी है ना, तो ट्राउजर कितना है 2x, तो ट्राउजर कितना आ जाएगा 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है 100, तो ट्राउजर कितना मीटर उसने परचेज किया 200 मीटर, ट्राउजर कितना परचेज किया 200 मीटर, और शर्ट कितनी परचेज की होगी 300 मीटर, अगर शर्ट की पूछता ना 300 मीटर, और टोटल जो क्लोथ है वो उसने कितना मीटर परचेज किया 300 प्लस 200 कितना आ जाएगा 500 मीटर। बात समझ में आ रही है, तो पहले ये नोट करना आपको, फिर यहां से यहां तक, उसके बाद आपको ये नोट करना है लास्ट में, ठीक है।
जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। बात समझ में आ रही है ना क्या किया है? जैसे जैसे उसने शर्ट का प्राइस दिया हुआ था, ट्राउजर का दिया हुआ था और उसका रेशो दिया हुआ था, ठीक है, हमने क्या मान लिया, एक्स मीटर मान लो उसने कपड़ा परचेज किया होगा, तो ये कितना हो गया 3x और ये कितना हो गया 2x मीटर, यहां पर आ गया। अब शर्ट की कॉस्ट प्राइस निकाली, ट्राउजर की कॉस्ट प्राइस निकाली, फिर वो क्या बात कर रहा है कि जो शर्ट है वो 12% पर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, और ट्राउजर कितने परसेंट पर कर रहा है, वो 10% पर कर रहा है। तो हमने देखा टोटल सेल उसने दी हुई है 36,600, तो शर्ट को उसने कितने रुपीज में उसने सेल किया होगा, तो कॉस्ट प्राइस में उसका जो प्रॉफिट है वो ऐड कर दिया, तो ये शर्ट का सेलिंग प्राइस आ गया। ट्राउजर के भी कॉस्ट प्राइस में उसका प्रॉफिट ऐड कर दिया, ये भी क्या आ गया उसका, ट्राउजर का क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। दोनों को ऐड करने पर ही तो इतने रुपीज आ रहे होंगे हमारे पास, दोनों को ऐड किया कितने रुपीज आ रहे हैं, इतने, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई, और यहां से ट्राउजर हमारे पास कितना आ गया 2x 200 मीटर, ट्राउजर 200 मीटर और शर्ट कितना आ जाएगा 300 मीटर। बात समझ में आई? जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से करो। हो गया ओके। तो आपके क्वेश्चन कितने हो चुके हैं, क्वेश्चन आपके हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक, ठीक है, तो आज अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक, नेक्स्ट वीडियो में अपने लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तब तक के लिए जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, 3 क्वेश्चन करवाए हैं, वो आप क्या करोगे, आज खुद से ट्राई करोगे। टिल देन स्टे सेफ बी हैप्पी।